गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 7 ऊ की मात्रा के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम ऊ की मात्रा की पहचान। देखिए स्टूडेंट्स, ये है ऊ और ये है छोटे ऊ की मात्रा। स्टूडेंट्स, जब ऊ की मात्रा जब हम स्वर के साथ लगाते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है थोड़ा सा धीमा होता है, मतलब ये खिंचके नहीं आता, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ओके, जैसे कि जब हमने ऊ क में छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो कैसा आएगा, कु, है ना स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे स्टार्ट। देखिए इस टाइप से, देखिए जब मैंने क पे छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, कु, और जब से ख पे जब हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ, खु, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुई, हमारे छोटे ऊ की मात्रा की पहचान और उसका उच्चारण। ओके स्टूडेंट्स, ये है र। जब हम र में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो अक्षर की दाईं तरफ लगाते हैं। ओके, इस टाइप से ऐसे, ये हम इसके अक्षर के नीचे नहीं लगाते, और बाकी ऊ की मात्रा होती हैं वो अक्षर इस टाइप से अक्षर के हमेशा नीचे लगाई जाती हैं। ओके, लेकिन जब हम रा लिखते हैं तो इसकी रा दाईं तरफ इस टाइप से ऊ की मात्रा लगाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये हुआ हमारी ऊ की मात्रा की पहचान। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम पार्ट 7 ऊ की मात्रा अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 7 ऊ की मात्रा। ओके, चलिए अब हम सबको समझना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा ऊ और ये हमारी ऊ की मात्रा। ओके स्टूडेंट, छोटी ऊ की मात्रा हमारी इस टाइप से ऐसे लगाई जाती है और जिसका उच्चारण होता है वो एकदम से जल्दी आता है। ओके, चलिए देखते हैं, जब हमने क में छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ, कु। जब हमने ग में छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो गु। प पे जब हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो पु। त पे जब हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो तु। ह पे जब हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो ह। और ल पे जब हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई तो लु। और र पे जब हमने लगाई तो रु, है ना स्टूडेंट। इसका इसका जो साउंड आया थोड़ा सा जल्दी आया ना, तो इस जब हम पहचान होती है कि अब हमें ऊ की मात्रा लगानी है। स्टूडेंट देखिए, अब हम कुछ चित्रों की सहायता से ऊ की मात्रा को सीखेंगे। देखिए ये क्या, कौन सी पिक्चर दिख रही है हमें, गुड़िया। तो कैसे लिखेंगे, ग, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ड, ड में छोटी की मात्रा डी, और या पे आ की मात्रा या, शब्द हुआ गुड़िया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, कुटिया। क, क पे छोटी की मात्रा कु, ट, ट पे छोटी की मात्रा टी, या पे आ की मात्रा या, शब्द हुआ कुटिया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, चूहा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चूहिया। च, च पे छोटे ऊ की मात्रा चू, ह, ह पे छोटी की मात्रा ही, या पे आ की मात्रा या, शब्द हुआ चूहिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, सुराही। स, सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, र, र में आ की मात्रा रा, ह, ह में बड़ी की मात्रा ही, शब्द हुआ सुराही। देखेंगे नेक्स्ट वर्ड ये क्या है, गुलाब। ग, ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ल, ल में आ की मात्रा ला, ब, शब्द हुआ गुलाब। ओके, ये क्या है नेक्स्ट, क्या है, कुर्सी। क, क में छोटी की मात्रा कु, स, स में बड़ी की मात्रा सी, और ऊपर से रा लगाया तो क्या हुआ, कुर्सी। नेक्स्ट देखेंगे ध, न, न में बड़ी ऊ की मात्रा नु, श, क्या शब्द हुआ, धनुष। नेक्स्ट है कछुआ। क, छ, छ में बड़ी ऊ की मात्रा छु, आ, आ में आ की मात्रा आ, शब्द हुआ स्टूडेंट्स कछुआ। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पिक्चरों की सहायता से छोटे ऊ की मात्रा समझ आई होगी। अब हम ये नीचे की तरफ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन पे छोटे ऊ की मात्रा लगाकर उन्हें पढ़ना सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते। देखिए, च, च में बड़ छोटे ऊ की मात्रा चुन, शब्द हुआ चुन। ब, ब में छोटे ऊ की मात्रा बुन, शब्द हुआ बुन। ख, ख में छोटे ऊ की मात्रा खु, लु, शब्द हुआ खुल। उसके बाद नेक्स्ट है प, प में छोटी ऊ की मात्रा पु, ल, शब्द हुआ पुल। नेक्स्ट है स, स में छोटी ऊ की मात्रा सु, न, शब्द हुआ सुन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे स, स में आ की मात्रा सा, धा, धा में ऊ की मात्रा धु, शब्द हुआ साधु। नेक्स्ट देखेंगे ध, ध में आ की मात्रा धा, ता, ता में छोटी ऊ की मात्रा तु, शब्द हुआ धातु।
नेक्स्ट प श शामे छोटे उ की मात्रा शु शब्द हुआ पशु। नेक्स्ट म ध धा में छोटे उ की मात्रा धु शब्द मधु। नेक्स्ट क उसमें छोटे उ की मात्रा कुछ शब्द हुआ कुछ। नेक्स्ट ज जा में आ की मात्रा जा मा मा में उ छोटे उ की मात्रा मु न शब्द हुआ जामुन। नेक्स्ट स सा में आ की मात्रा सा बा बा में छोटे उ की मात्रा बु न शब्द हुआ साबुन। नेक्स्ट है स सा में छोटे उ की मात्रा सु न ना में आ की मात्रा ना र शब्द हुआ सुनार। नेक्स्ट है त ता में छोटे उ की मात्रा तो ल स सा में बड़ी की मात्रा सी शब्द हुआ तुलसी। नेक्स्ट द ता में छोटे उ की मात्रा दु ग गा में भी छोटे उ की मात्रा दुगु न ना में आ की मात्रा ना शब्द हुआ दुगना। स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ने में आए होंगे, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस घर पे करिएगा ओके, और उसकी वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे ही सेंड करिएगा। स्टूडेंट्स आप पर्सनल नंबर पे आपको ये डेली का वर्क सेंड नहीं करना है, ये वर्क अपने व्हाट्सअप फर्स्ट क्लास के व्हाट्सअप ग्रुप पे ही आपको सेंड करना है। चलिए अब हम ये नीचे वाला फिल करेंगे। उ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। देखिए स उस ठीक है, उसमें हमने उ की मात्रा लगाई तो कैसे सु है ना, रा ही तो शब्द हुआ स्टूडेंट सुराही, तो यहाँ पे हमको लिखना है सुराही ओके। नेक्स्ट देखेंगे सा, यहाँ पे हम उ की मात्रा लगाएंगे छोटे उ की बु न क्या हुआ साबुन, तो यहाँ हमको लिखना है साबुन ओके। यहाँ पे हम प शु, पशु तो कोई वर्ड नहीं होता, जब हम इस पे छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पशु, तो यहाँ हमको लिखना है पशु, तो यहाँ पे हमको पूरा फिल करना है ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प ल तो यहाँ पे उ की मात्रा पु ल शब्द हुआ पुल, यहाँ पे आपको पुल लिखना है ओके। यहाँ पर भी हम छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साधु, तो यहाँ हमको लिखना है साधु ओके। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, देखिए दा में भी उ की मात्रा छोटे उ की मात्रा ग में भी छोटे उ की मात्रा शब्द हुआ दुगुना। स्टूडेंट्स आपको ये फिल करना है यहाँ पर ओके। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको छोटे उ की मात्रा अच्छे से समझ में आई होगी। आपको जो मैंने वर्ड्स पढ़ने के लिए दिए हैं आप इसकी वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे शो करना। अगर आप लोगों को वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऑडियो बनाकर भी आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे शो कर सकते हैं, बट आपको ये वर्क अपने व्हाट्सअप फर्स्ट क्लास के ग्रुप पर ही सेंड करना है। ये वर्क आप डेली का वर्क आपको पर्सनल नंबर पर सेंड नहीं करना है ओके। थैंक यू एवरी वन।